सिर्फ ऐलान कर रहे आ कर देंगे वो कर देंगे आ करता वो किता बड़े मौके दिते इन्हों पर इन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाबी एक मौका हुण अपने आप नूं देणगे झाड़ू दे रूप च आम आदमी पार्टी दे रूप। दिल्ली वाले ने एक मौका अपने आप नूं दिता आम आदमी पार्टी नूं दिता अरविंद केजरीवाल नूं दिता उस तो बाद दोनों पार्टियां बारे उन्हां नूं सोचण दी लोड़ नहीं पई। बीजेपी ते कांग्रेस दिल्ली दे विचों साफ हो गई। मैनूं पुछिया किसे ने कि तुसी मोदी की एड्डी वड्डी नेरी नूं किवें रोक लिया दिल्ली दे विच एड्डी वड्डा तूफान मोदी का तुसी किवें रोक लिया। मैं कहा जी साडा चोण निशान की है कहिंदे झाड़ू। मैं कहा उन्हां दा चोण निशान की है कहिंदे कमल दा फुल। मैं कहा कमल दा फुल कित्थे उगदा हुंदा कहिंदे चिक्कड़ च। मैं कहा असीं झाड़ू नाल चिक्कड़ साफ करता कमल उगे ही नहीं। इस झाड़ू नाल पहला आपां सिर्फ मकान या दुकान साफ करते सी हुण इस झाड़ू नाल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई दे विच पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाऊगा। अजय भी कहते हैं कि असी बहुत चंगी हाँ सानू मौका घट मिले है भाई साढ़े चार साल कैप्टन अमरिंदर सिंह सी तुसी उत्थे मंत्री सी वो भी तो मौका ही सी। कहते नहीं साडा कार्ड 80 दिन का देखो बस ये कैसे हो सकता है कि 80 दिन के कार्ड से लोग 5 साल होर वोटा पा दे 5 साल वास्ते साढ़े चार साल भी बिची गिने जाएंगे हिसाब पौने 5 साल का होगा चन्नी साहब। घर घर यह चली गल कले 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 कपड़े का लवेंगे हिसाब से करा हल। वो मैनू एक बंदे ने बड़ा वधिया कहा मैनू कार्ड दिखा के कहिंदा मैनू ये कार्ड कैप्टन अमरिंदर 2017 वेले दे के गया सी उहदी टीम उहदे लिखिया सी कि कैप्टन ने सहुं चक्की थोड़ी नौकरी पक्की। कहिंदा जी कित्थे लैके जावां। मैं कहा हुण किते नहीं चलदा यह कार्ड जिन्हें जिन्हें यह कार्ड लिखिया सी जिहदी फोटो लई फिरदा है कैप्टन अमरिंदर सिंह तां आप बेरुजगार हो गया। कैप्टन ने अपनी पार्टी का नाम की रखा पंजाब लोक कांग्रेस। मैं समझ नहीं आती ना रखने वे थोड़ा बहुत सोच लेंगे ना वो पंजाब है ना लोग है ना कांग्रेस है। जिन्हें कदम तुम चल के आए हो तो चलिया हुआ एक कदम साढ़े सिर मत्थे। सब तो पहला नमन करते हैं बाबा साहब बाबा अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी साढ़े संविधान के रचेता जिन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई संविधान रचिया ते समानता का सुनेहा दिता। वीरो तिरंगा यात्रा अज अमन शांति की यात्रा है। पंजाब दे विच भाईचारक सांझ की आस ते अरदास कर लईए यात्रा कीती है। तुहाडा बहुत धन्नवाद है कि हर फिरके तो लोग जिहड़े ने वो अपने हाथ में तिरंगे लेके तुसी इत्थे पहुंचे हो। तुहाडा चलिया होया इक कदम साडे सिर मत्थे। वीरो पंजाब की हालत दिन ब दिन बदतर होंदी जा रही है ते लीडर जिहड़े पंजाब नूं चलाउण वाले है वो दिन ब दिन अमीर हुंदे जा रहे ने होटल बन रहे ने महल बन रहे ने ते नाल दी नाल ऐलान कर रहे है सिर्फ ऐलान कर रहे आ कर देंगे वो कर देंगे आ करता वो कीता बड़े मौके दिते इन्हां नूं पर इन्हां ने कुछ नहीं कीता। मैं कल सुन रहा सी अकाली दल 101वां अपना स्थापना दिवस मना रहा सी उत्थे 5 बार के मुख्यमंत्री वो कह रहे सी सानू एक मौका होर दिओ यार साडे मौके मुक गए इन्हां नूं मौके दिंदे दिंदे पर इन्हां दीआं मिहनतां ते इन्हां दे मौके मंगण दी बेशर्मी नहीं मुक्की। पंजाब एक मौका हुण बथेरे मौके कांग्रसियां नूं अकालियां नूं बीजेपीआं नूं दे के देख ले। पंजाबी एक मौका हुण अपने आप नूं देणगे झाड़ू दे रूप च आम आदमी पार्टी दे रूप। जिवें दिल्ली वाले ने
मौका अपने आप नूं दित्ता, आम आदमी पार्टी नूं दित्ता, अरविंद केजरीवाल नूं दित्ता। उस तों बाद दोनों पार्टियां बारे उन्हां नूं सोचण दी लोड़ नहीं पई। बीजेपी ते कांग्रेस दिल्ली दे विचों साफ हो गई। मैनूं पुछिया किसे ने कि तुसीं मोदी दी एड्डी वड्डी नेरी नूं किवें रोक लिया दिल्ली दे विच, एड्डी वड्डा तूफान मोदी दा तुसीं किवें रोक लिया। मैं कहा जी साडा चोण निशान की है, कहिंदे झाड़ू। मैं कहा उन्हां दा चोण निशान की है, कहिंदे कमल दा फुल। मैं कहा कमल दा फुल कित्थे उगदा हुंदा, कहिंदे चिक्कड़ च। मैं कहा असीं झाड़ू नाल चिक्कड़ साफ करता, कमल उगे ही नहीं। सो वीरो राजनीति गंदगी साफ करो। ये झाड़ू का चोन निशान जेड़ा है, इस झाड़ू नाल पहला आपां सिर्फ मकान या दुकान साफ करते सी, हुण इस झाड़ू नाल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई दे विच पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाऊगा। लुट लुट के खा लिया ने लोगों ने, अजे भी कहते हैं कि असी बहुत चंगी हाँ, सानू मौका घट मिले है। भाई साढ़े चार साल कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, तुसी उत्थे मंत्री सी, वह भी तो मौका ही सी। कहिंदे नहीं, साडा कार्ड 80 दिनां दा देखो बस। ये किवें हो सकता है कि 80 दिनां दे कार्ड ते लोग 5 साल होर वोटां पा देण 5 साल वास्ते? साढ़े चार साल भी विच ही गिने जाणगे। हिसाब पौने 5 साल दा होऊगा चन्नी साहब। घर घर यह चली गल, कल्ले 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 कपड़े का लवांगे हिसाब ते करांगे हल। किधर गई, किधर गई घर घर नौकरियां, किधर गई? ऐलान करदे जिहड़े कीते ते कर्जे माफ कर देंगे किसानों के सारे, किधर गए वादे समार्टफोनां दे? किधर गए वादे 5 मरलियां दे प्लाटां दे? किधर गए वादे 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन दे? किधर गए वादे गरीबां दीआं कुड़ियां नूं व्याह वेले 55,000 रुपया शगन? पता नहीं की बोलिया, कुछ नहीं होया। हुण ओह बीजेपी दे नाल जा रलिया। ओह मैनूं इक बंदे ने बड़ा वधिया कहा, मैनूं कार्ड दिखा के कहिंदा मैनूं ये कार्ड कैप्टन अमरिंदर 2017 वेले दे के गया सी, ओहदी टीम ओहदे लिखिया सी कि कैप्टन ने सहुं चक्की, थोड़ी नौकरी पक्की। कहिंदा जी कित्थे लैके जावां? मैं कहा हुण किते नहीं चलदा यह कार्ड। जिन्हें यह कार्ड लिखिया सी, जिहदी फोटो लई फिरदा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो तो आप बेरोजगार हो गया, वो तो कांग्रेस ही छड़ के भज गया। कैप्टन ने अपनी पार्टी का नाम की रखे? पंजाब लोक कांग्रेस। मैं समझ नहीं आती, ना रखने वेले थोड़ा बहुत सोच लेंगे, ना वो पंजाब है, ना लोक है, ना कांग्रेस है। सो वीर ये सिर्फ वोटा खराब करनी है, किसी होर जिता, किसी को हरा, तिकड़मबाजिया चो आप निकल जाइए। जे पंजाबीओ तकदीर बदलनी है तो मशीन वाला बटन बदल लो। वो दो बटन के फसे हुए हैं तकड़ी के पंजे वाले, बटन बदल गया तो तकदीर बदल जूगी, क्योंकि वो बटन ना तो पंजे का, वो बटन ना तकड़ी का, वो बटन ना झाड़ू का, वो बटन ना पौड़ी का, ना गड्ढे का, वो बटन थोड़े बच्चों की तकदीर का बटन है, किस्मत का बटन। जे सच्चे दिलों अपने बच्चों की किस्मत, अपने बच्चों भविष्य बनाने वास्ते वधिया एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, बिजली, पानी, सब कुछ रंगला पंजाब बनाने वास्ते जे तुसी दिलों इच्छुक हो तो वोटां वाले दिन झाड़ू तो बिना होर कोई बटन ना देखियो। किसी मामे फुफड़ के कहने ना आयो, क्योंकि बहुत बार लै आते हैं रिश्तेदार घर बिठा देंगे ने, किसी लालच ना आयो। एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई पंजाब च, वो तो बाद उन्होंने बटन लगन ही हट जाएंगे मशीन चो, कहे पाँव का कोई है नहीं, छोड़ो परे, ठीक है ना। सो एकता से अखंडता बना के रखनी है, भाईचारक सांझ टुटन नहीं देनी, तिरंगे की शान उच्ची रखनी है। आ गल कहने वास्ते तुहाडे कोले आए हां, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली तो स्पैशली चल के आए ने, अज इत्थे आ, कल नूं ओह कहिंदे अपने आप नूं जिहड़े बब्बर शेर कहाउंदे ने
कल नू शेर की खुट च हाथ पाना लंबी करनी रैली लंबी उथों आवाज उथों स्पीकर की आवाज बड़िया बड़िया कंधा वाला जो महल है ना बादल पिंड च ओ अंदर जो जाऊगी ना उदो थर थर कंबण गए कि आ की कर बैठे अपना लोगों आखे ने धोखे कर बैठे चाहे वह बेअदबी हो गए चाहे वह ड्रग्स के काम हो पंजाब बर्बाद करके रखता पर पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है साडे जिन्ने भी अहुदेदार पंजाब दे कोने कोने तों आए हो सारे साडे लई साडे सन्मानयोग पर सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद है मैं तुहाडे नाल गलबात करदा रहिणा आउण वाले दिनां च वी मीटिंगां होणगीआं एक मैं हुण बेनती करदा अरविंद केजरीवाल जी नूं कि उह अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करन ते आउण वाले प्रोग्राम बारे मार्गदर्शन करन अरविंद केजरीवाल जी भारत माता की जोर से सब लोग हाथों पर उठा के भारत माता की इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे। दोस्तों आज मजा आ गया इतनी शानदार तिरंगा यात्रा मैंने बहुत सारे रोड शो किए अपनी जिंदगी में बहुत सारी तिरंगा यात्रा निकाली है लेकिन आज जलंधर के लोगों ने कमाल कर दिया तो एक बार जोरदार ताली जलंधर वासियों के लिए और जितना प्यार जितना मोहब्बत आज हम लोगों को जलंधर के लोगों से मिली है मैं जानता था जलंधर के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं लेकिन इतना प्यार करते हैं ये नहीं पता था तो जलंधर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया पूरा रास्ते लोग अपनी खिड़की पे अपनी छत पे सब लोग तिरंगा लहरा रहे थे और सबके मुंह पे था भारत माता की जय अपने को सबको अब पंजाब की खुशहाली के लिए काम करना है पंजाब की तरक्की के लिए काम करना है पंजाब पुराने दिनों में आतंकवाद से गुजरा था पंजाब के लिए वो दिन बहुत बुरे थे पंजाब बॉर्डर स्टेट है अपने को सबको मिलके पंजाब को खुशहाल करना है पंजाब का भाईचारा बना के रखना है जैसे आप लोग बना के रखते हो और पंजाब को अब आगे लेके जाना है मैं किसानों को सलाम करता हूं और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को इस पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई किसने की थी पंजाब ने की थी पंजाब के लोग सबसे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठे थे और जब पंजाब के लोग खड़े हो गए तो सारे देश के किसान खड़े हो गए तो मैं पंजाब के किसानों को सलाम करता हूं और जैसे किसान आंदोलन जीता है अब अपने आप को पंजाब अपने को सबको मिलके पंजाब की खुशहाली के लिए भी ये जंग जीतनी है और मार्च के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है नहीं बनानी है आज मैं बाबा साहब जी को नमन करता हूं बाबा साहब मैं समझता हूं कि आज तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीय हैं आपको पता नहीं होगा दो तीन बात बता दो बाबा साहब के बारे में उनके पास 62 मास्टर्स डिग्री थी 62 एमए थी उनके पास एक एमए करने में नानी याद आ जाती है उनके पास 62 डिग्री थी 62 सब्जेक्ट